हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो ओएस वर्जन 1.0 बेस एंड्रॉइड 12 पे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या इस रोम के साथ आपको मिलता है, कैसी परफॉर्मेंस है, कैसी स्मूथनेस है और क्या क्या फीचर या कस्टमाइजेशन ये प्रोवाइड करता है और ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा इस रोम के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा आपसे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, घंटी वंटी दबा दो और शुरू करते हैं हम वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यार 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मतलब 100 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बहुत ही जल्दी कर लिया है। आई होप कि इस वीडियो पे 10 लाइक आ जाएंगे, ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी पैच की बात करें तो May 5, 2022 का यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि पुराना है लेकिन चलेगा। यहाँ पे कर्नल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रो पर्फ, यहाँ पे कर्नल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर अभी हम जाएंगे होम में और देखेंगे क्या यहाँ पे स्मूथनेस आपको देखने को मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे UI की बात करें तो UI वैसे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है और चलने में भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे कोई भी मेरे को ऐसे लैग वैग नहीं लग रहा है, जैसे भी नोटिफिकेशन पैनल को आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेरे को ऐसे लैग वैग नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसको डाउन कर रहा हूँ या अप कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी लैग वैग नहीं दिख रहा है मेरे को, एकदम काफ़ी मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा है। एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मेजर दिक्कत नहीं आई है मेरे को, यहाँ पे काफ़ी मक्खन की तरह चल रहा है ये देखो आप, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग वगैरह सब यहाँ पे एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये CAF रोम है, ठीक है, काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बेंचमार्क के बारे में, तो मैं सबसे पहले मैं आपको गूगल फ़ोटोज़ चेक करवा देता हूँ, ठीक है। गूगल फ़ोटोज़ में अगर आपको मिल रहा है यहाँ पे गूगल फ़ोटोज़ में अनलिमिटेड गूगल फ़ोटोज़ का ऑप्शन, मतलब ओरिजिनल क्वालिटी के साथ, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस के बारे में, यानी बेंचमार्क के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीटू बेंचमार्क चेक करेंगे यहाँ पे। तो एंटीटू बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे कुछ 368,000 के आसपास कुछ निकल के आए हैं, जो कि बाकी रोम से कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्मूथनेस जो है काफ़ी अच्छी है रोम की। बाकी में देखते हैं कैसा कैसा निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे गीक बेंच 5 की, तो गीक को चेक करवा देता हूँ, हिस्ट्री में जाएंगे। और गीक बेंच 5 में जो है स्कोर अच्छा निकल के आया है, यहाँ पे सिंगल कोर है 522 और जो मल्टी कोर निकल के आया है वो है 2124, जो कि एक अच्छा स्कोर है इस पोको F1 के लिए, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग की, ठीक है। तो CPU थ्रॉटलिंग मैं आपको चेक करवा देता हूँ, तो लेट्स सी। तो CPU थ्रॉटलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है 89 ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस दिखा रहा है आपको, जो कि एक अच्छी बात है, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको दिखने को मिल रहा है। मतलब अगर 90 के आसपास है तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। थ्रॉटल तो हो रहा है CPU, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें कस्टमाइजेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइजेशन जो है काफ़ी लिमिटेड मिलेंगे आपको, बिकॉज क्योंकि ये CAF रोम है तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन कस्टमाइजेशन काफ़ी कम मिलेंगे। फिर भी यहाँ पे जो है फ्लेमिंगो की सेटिंग यहाँ पे दिख गई है आपको, जिसके थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन में शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रखा है, जो कि बाकी सब रोम में डिफॉल्ट आता है। इसमें ऑप्शन है, आपको हटा भी सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। एज लाइटिंग, डबल टैप टू स्लीप वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डबल टैप टू वेक का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे मिसलेनियस सेटिंग की, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट साउंड हो गया, यहाँ पे स्किप ट्रैक विद वॉल्यूम बटन से आप ट्रैक को स्किप करवाओगे, म्यूजिक को स्किप करवाओगे, ठीक है। तो और यहाँ पे हिडन ऐप का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, कोई भी ऐप अगर आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा उसका। इसके अलावा अगर हम बात करें QS पैनल सेटिंग के बारे में, तो यहाँ पे आर्ट वर्क, मीडिया, बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर पाओगे, आपको सेट कर पाओगे अपने हिसाब से, ब्राइटनेस स्लाइडर को अप डाउन कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे बैटरी एस्टिमेट वगैरह बेसिक ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेटस बार सेटिंग के बारे में, तो यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर आप ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। आप शो कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, ऊपर आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे, तो ये भी सही है। यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन है स्टेटस बार पे, जहाँ पे भी क्लिक करोगे यहाँ पे स्लीप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक वगैरह सब आराम से, मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहा है सब कुछ। यहाँ पे कंबाइंड सिग्नल वगैरह नॉर्मल बेसिक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे और कोई ज़्यादा मेजर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे लास्ट में जो ऑप्शन है वो है थीम सेटिंग का, तो थीम सेटिंग में आपको मॉनेट इंजन, आइकन पैक और हेडलाइन, बॉडी फॉन्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे।
यहाँ पे आप कलर वगैरह चेंज कर पाओगे अपने हिसाब से, वॉलपेपर बेस या फिर कुछ भी आपको करना है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से मतलब सेटिंग कर पाओगे इसको। तो ये भी काफ़ी मेरे को सही लगा, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा कलर वलर चेंज नहीं करता हूँ, तो यही मेरे को सही लग रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत मेरे को फेस करने को नहीं मिली है साहब। सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्टली काम कर रही है, काफ़ी मस्त काम कर रही है यहाँ पे। ऐप लॉक का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यही था इस रोम का रिव्यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होता है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ठोक दो जल्दी से, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।